स्ट्रीट फोटोग्राफी देखने में जितनी आसान लगती है ना, उतनी है नहीं। पसीने छूट जाते हैं। और मुश्किल चीज़ को आसान बनाने के लिए आ गया हूँ। आ गया है, आ गया है और आ गया है। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो आज अशोक वर्मा देने जा रहा है आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी की कुछ ऐसी टिप्स जो मैं यूज करता हूं और जिससे बन जाएगा आपका काम आसान। स्ट्रीट फोटोग्राफी का सबसे पहला रूल है कि आप कम से कम इक्विपमेंट लेके चलो, और हो सके तो छोटे से छोटा कैमरा लेके चलो। एक कैमरा काफ़ी है। मैं यूज़ करता हूँ X100S। छोटा कैमरा है, फिक्स लेंस है, तो बेकार के झंझट में पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। आप छुपकर आराम से कैंडिड पिक्चर्स ले सकते हो और आप थकोगे नहीं, और पूरा कैमरा बैग लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखो, ना कि अपने लेंस चेंज करने पर या अपने कैमरा के ऊपर ध्यान दो। तो छोटा कैमरा, ये याद रखो, छोटा कैमरा। और इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, आप कपड़े क्या पहनते हो। आपको क्राउड के साथ बीच में मिक्स होना है। यू हैव टू ब्लेंड विद द क्राउड। टूरिस्ट जगह पर आए हो तो टूरिस्ट की तरह बन के घूमो। देखना है, अशोक वर्मा पूरा टूरिस्ट बन के घूम रहा है यहाँ पे। देखा कैसे कपड़े पहने। ऐसे कपड़े पहनोगे जल्दी से लोगों के बीच में ब्लेंड हो जाओगे और आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा, क्योंकि आपको पिक्चर करनी है कैंडिड पिक्चर्स, और कैंडिड पिक्चर्स में यू डोंट हैव टू गेट नोटिस्ड बाय पीपल, बाय योर अटायर, बाय योर क्लोथ्स, बाय योर वार्डरोब। सो नाउ यू हैव डिसाइडेड ऑन योर इक्विपमेंट एंड यू हैव डिसाइडेड अबाउट योर अटायर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रीट फोटोग्राफी विच कम्स इज द सेटिंग्स ऑन योर कैमरा। सो जब भी आप स्ट्रीट फोटोग्राफी पे उतर रहे हैं, अपने कैमरा को सेट कर लें। जहाँ पे भी गए हैं आप, दोपहर को गए हैं, दिन में गए हैं, कभी भी गए हैं, आप अपने कैमरे की सेटिंग्स रेडी रखें, ताकि आप जब पिक्चर्स ले रहे हो तो आप अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान रखें, ना कि कैमरा की सेटिंग्स के ऊपर। सो दैट यू आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन एंड एनी कंडीशंस, समझे। तो अपने कैमरा की सेटिंग्स रखें तैयार। तो अब बात आती है कि सेटिंग्स क्या होनी चाहिए, सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए। मैं क्या सेटिंग्स रखता हूँ, मैं सेटिंग्स रखता हूँ, I'm good man। पीछे से लोग बोल रहे हैं। तो मैं क्या सेटिंग्स रखता हूँ जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी शूट करता हूँ। मैं शूट करता हूँ ऑटो ISO पे और मैनुअल मोड पर। मैनुअल मोड पे मेरा अपर्चर होता है 8 से नीचे नहीं जाता, और कम से कम 250 की शटर स्पीड, ताकि सब कुछ जो भी आप शूट कर रहे हो वो फ्रीज हो सके। और जब आप ये सेटिंग्स रखते हैं तो आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने फ्रेम के ऊपर, ना कि अपने कैमरा पर या अपने एक्सपोजर पर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। शूट ऑन ऑटो ISO इन मैनुअल मोड, अपर्चर अराउंड 5.6 और 8, एंड योर शटर स्पीड नॉट लेस देन 250। सो ये सब कुछ हो गया। इसके बाद आता है आपका एटीट्यूड। स्ट्रीट फोटोग्राफी में सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए आपके पास पेशेंस। आप घूमोगे, पूरा दिन चलोगे, सो हैव पेशेंस, वॉक अराउंड, सी लॉट ऑफ थिंग्स, एंड सेकेंड थिंग इज ऑब्जर्व। ज़्यादा पिक्चरें मत खींचो, पिक्चरें कम खींचो, ऑब्जर्व ज़्यादा करो। और जब लगे कि आपको पिक्चर मिल रही है या यहाँ पे कोई सीन बन सकता है, देन वेट देयर, देयर कम्स योर पेशेंस। अगर आपने पिक्चर्स किसी की खींच ली हैं और कोई खुश नहीं है, और किसी ने देख लिया है आपको पिक्चर खींचते हुए, तो हंस के उनके पास जाएं, उनको उनकी पिक्चर्स दिखाएं। और अगर वो बोलते हैं कि नहीं भाई मेरी पिक्चर्स मत यूज़ करो, मेरे को नहीं चाहिए अपनी पिक्चर्स, तो हंसते खेलते वो पिक्चर्स डिलीट कर दें। सो डोंट आर्ग्यू एंड जस्ट डिलीट द पिक्चर्स एंड फिनिश द मैटर देन एंड देयर। और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी आँखें हमेशा खुली रखें, नज़रें दौड़ाते रहें चारों तरफ, और देखते रहें कि क्या हो रहा है, और अपना कैमरा हमेशा रेडी रखें। कभी भी आपको वो मोमेंट मिल सकता है जिसको डिसाइसिव मोमेंट कहते हैं, जिसको एक ऐसा मोमेंट कहेंगे जो कि 2 मिनट में गुजर जाएगा, 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड में गुजर जाएगा, 1 सेकंड में गुजर जाएगा। तो बी अलर्ट, अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है स्ट्रीट फोटोग्राफी में। और इसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि आप किस टाइम पे जाएं स्ट्रीट फोटोग्राफी पिक्चर्स करने के लिए। आप सुबह जाएं, दोपहर को जाएं, या शाम को जाएं। मैं ज़्यादातर शूट करता हूँ ऐसी घनघोर धूप में, जब बिल्कुल धूप हो रखी होती है, मैं तब शूट करता हूँ, बिकॉज आई गेट वेरी कॉन्ट्रास्टी पिक्चर्स एंड देर इज़ अ गुड प्ले ऑफ लाइट एंड शेडो। एंड एक और टिप, जब आप ऐसी लाइट में शूट कर रहे हैं, मैं हमेशा 1.5 स्टॉप से 2 स्टॉप
अंडर शूट करता हूँ। जैसे ही आप अपनी लोकेशन पे पहुँचे, लाइट को रीड करना बहुत ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि लाइट कहाँ से आ रही है, शेडोज कहाँ पे पड़ रही हैं, सन की पोजीशन क्या है, एंड अकॉर्डिंगली चूज़ योर लोकेशन। तो वॉक अराउंड, ये नहीं कि जाते ही शूट करना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसके बाद सेलेक्ट करो वो जगह जहाँ से आपको पिक्चर्स लेनी है, जहाँ पर एक्शन है। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपकी कैमरा की सेटिंग के बारे में, कि जब मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी शूट कर रहा होता हूँ तो मैं शूट करता हूँ कंटिन्यूस मोड पे, टकाटक टकाटक पिक्चर्स खींचो, क्योंकि अगर मोमेंट निकल गया तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। सो डोंट गेट इनटू दैट स्ट्रगल। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न कैमराज हैं, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, कंटिन्यूस मोड पे शूट करो, लेकिन कंपोजिशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर पिक्चर बन रही है और आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, देर इज़ सम एक्शन विच इज़ गोइंग टू हैपन, वेट देयर टिल यू गेट दैट पिक्चर। बट अगर थोड़ी देर में आपको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेस। सो ये थी कुछ टिप्स स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में, मैं किस तरह से स्ट्रीट फोटोग्राफी करता हूँ और मैंने क्या सीखा है। सबके अपने तरीके हैं, कौन कैसे शूट करता है, लेकिन ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से शूट करता हूँ, इन चीज़ को फॉलो करता हूँ और मुझे पिक्चर्स मिलती हैं। इतनी सारी टिप्स सुनने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पिक्चर्स मिल जाएँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं जाता हूँ, पूरा दिन घूमता हूँ, एक पिक्चर भी नहीं मिलती। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, समटाइम्स यू गेट पिक्चर्स एंड समटाइम्स यू डोंट, बट द पॉइंट इज योर एफर्ट। इफ़ यू डू द एफर्ट, आज नहीं तो कल आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचोगे। मैं पहुँचा हूँ तो आप भी पहुँचोगे। और अब बज चुका है मेरा बाजा, मैं पागल हो गया हूँ, मेरी हालत हो चुकी है बिल्कुल ख़राब। और इसी के साथ मैं करता हूँ ये वीडियो यहीं पे समाप्त। होप के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। टिल द नेक्स्ट टाइम, वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ।